हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ओवरऑल नॉलेज अवे टू सक्सेस। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग लूसेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के फिजिक्स मैकेनिक्स के जो बचे हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की थी, उसके बचे हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें हम लोग जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे सभी हम इसमें सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। पूछा गया है, ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 36,000 किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची उछलती है, क्यों? ऐसा क्यों होता है कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक ऊंची से उछलती है? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन सभी चारों ऑप्शन में से बताना है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है, इसलिए ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इन सभी चारों ऑप्शन में से ही बताना है कि कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, वस्तु का भार शून्य हो जाता है परंतु द्रव्यमान वही रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छा और कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को याद रखना है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1/6। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड कितना होता है? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है कि लोलक का जो आवर्तकाल है वो किस पर निर्भर करता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? आपको इनमें से कारण बताना है कि लोलक घड़ियाँ जो है वह गर्मी में सुस्त हो जाती हैं। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा समय बढ़ जाता है, जिसके कारण लोलक घड़ियाँ गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2% बढ़ जाएगा। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल 2% बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि लोलक की लंबाई 4 गुना कर दी जाए तो लोलक के झूलने का समय क्या हो जाएगा? घट जाएगा या फिर 2 गुना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा या फिर 4 गुना हो जाएगा? आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो लोलक की लंबाई 4 गुना कर देंगे तो लोलक के जो है झूलने का समय वह ऑप्शन नंबर बी, 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि में क्या परिवर्तन होगा? आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं,
तो उसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके जो समय अवधि है वह बढ़ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कण का द्रव्यमान m तथा संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, पी स्क्वायर बाई टू एम, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है, या क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में भी पूछा गया है कि हुक का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रत्यास्था। ठीक है, इलास्टिसिटी इसको बोलते हैं, इससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेल की एक छोटी बूंद पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, आपसे यह क्वेश्चन में पूछा गया है कि तेल की एक बूंद जो है वह पानी पर फैल जाती है, ऐसा क्यों होता है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तेल का पृष्ठ तनाव अधिक होता है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है, आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया है कि साबुन द्वारा निर्मलन का क्या सिद्धांत है, आपको बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृष्ठ तनाव। ठीक है, सरफेस टेंशन इसको बोलते हैं, तो साबुन द्वारा निर्मलन का सिद्धांत पृष्ठ तनाव है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना यह किस कारण से संभव है, यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और यह कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक द्रव बूंद की प्रकृति गोलाकार गोलाकार लेने की होती है, ये इसके पीछे का कारण को, यह क्वेश्चन भी पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृष्ठ तनाव। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, ऐसा क्यों होता है, आपसे यह क्वेश्चन किया हुआ है कि स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर जो है वो कम होते हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लार्वा के सांस में बाधा डालते हैं। ठीक है, इस कारण से ऐसा होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका क्या कारण है, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पृष्ठ तनाव। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है, गेंद कहाँ गिरेगी। आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसके पीछे, उसके सामने, उसके हाथ में, या फिर उसके बगल में, या तो कई बार क्वेश्चन पूछा ही गया है, या तो क्वेश्चन लगभग सभी लोगों ने याद ही कर लिया होगा, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके हाथ में। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उसके हाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ के क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है, न्यूटन के किस नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ला सकता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला है पहला गति का नियम, दूसरा गति का नियम, तीसरा गति का नियम, पहला दूसरा तीसरा गति का नियम, आपके पास चारों ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तीसरा गति का नियम उपयोग करके वह ऐसा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, गलती प्रिंटिंग हो गई है। ठीक है, कोई बात नहीं, तो इसका राइट ऑप्शन आपको बताना है कि कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर क्यों नाचते हैं, तो इसका भी राइट ऑप्शन हो जाएगा पृष्ठ तनाव के कारण, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका भी सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या अपरिमित हो जाता है। ठीक है, तो आपको राइट ऑप्शन बताना है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साबुन को जल में घोलने पर पृष्ठ तनाव का मान क्या हो जाता है, आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, घट जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा, घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संवातक कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, ऐसा क्यों होता है कि संवातक जो है वह कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, जिन्हें हम लोग एग्जास्ट भी कहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सांस में छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और बाहर चली जाती है, इस कारण से संवातक जो है कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपके पास अभी है थोड़ा सा कथन और निष्कर्ष के अभाव
की तरह क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आपके पास कथन है कि अपमार्जक मैले कपड़ों से सफलतापूर्वक तेल व गर्द निकाल देते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो इसमें कारण बताया गया है कि अपमार्जक जल का पृष्ठ तनाव बढ़ा देते हैं, जिस कारण से ऐसा होता है। तो आपके पास चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इनमें से ही छांटना है कि क्या होगा सही। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए सही है परंतु वार गलत है। इसका जो कथन है उसका जो कारण है वह सही उसका कारण नहीं दे पा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते, ऐसा क्यों होता है? आपसे यह क्वेश्चन पूछा गया, यह तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही बार यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गुरुत्व तो नहीं होता जिस कारण से अंतरिक्ष यात्री जो है अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं हो पाते। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। इसमें हम लोगों ने लगभग 25 या 30 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है, इसके बाद भी हम लोग वीडियो लाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आप यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।